हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल सवोटा स्टोरीज। तो आज हमारे पास में एक हीरो की सुपर स्प्लेंडर बाइक है, दो जो कि 2017 मॉडल है एंडलिंग की। तो इसके अंदर एक टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर क्या है, कभी कभी टाइमिंग चेन की मामूली थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, तो इसके आज मैं आपको आवाज़ सुनाने जा रहा हूँ और इसको प्रॉब्लम को भी निकालेंगे हम बिल्कुल कम खर्चे में। तो आप देख लीजिए इसकी आवाज़, अभी तो लगभग टाइमिंग चेन की आवाज़ इतनी नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत बाइक जब गर्म होगी तो इसके अंदर आवाज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ थोड़ी बहुत एक्सीलेटर देके। तो इसके अंदर आवाज़ आ रही टाइमिंग चेन, तो इसको कैसे सही करते हैं, तो इस बाइक को मैं कर देता हूं बंद। तो करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो चला गया लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही रिपेयरिंग को वीडियो देखने के लिए। तो इसके अंदर कैसे चेक करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर एकदम बिल्कुल भी कम खर्चा करेंगे हम, इसके अंदर ज़्यादा कोई खर्चे की ज़रूरत नहीं है, टाइमिंग चेन की आवाज़ को सही कर सकते हैं हम। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको खोल देंगे, जो टेस्टनर यहाँ पे लगा हुआ है इसको हम मैं खोल के निकाल लेता हूँ और इसी के अंदर हम जुगाड़ करेंगे जिससे टाइमिंग चेन की बार बार आवाज़ नहीं आओगी। तो इसके अंदर क्या होता है, थोड़ी बहुत गाड़ी हीटिंग हो जाती है तो इसके अंदर आवाज़ ज़्यादा बढ़ जाती है टाइमिंग चेन की, जैसे कि वो टाइमिंग चेन पूरी लूज़ होती तो कैसी आवाज़ आती इस टाइप से आती। तो खोल लेते हैं टेस्टनर को और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या जुगाड़ होगा। तो ये 8 की टी तो यहाँ पे लगेगी नहीं, 8 के स्पन्नर से ये खुल जाएगा। तो इसको मैं खोल के निकाल देता हूँ बाहर। तो ये टेस्टनर आ गया बाहर। अब इसके अंदर एक क्या होता है, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको रख देते हैं नीचे, इसका नट वगैरह निकाल लेते हैं। ये जो इसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई है ना, इसको हम खींचेंगे तो इतना लूज हो गई है जैसे कि इसके टेस्टनर के अंदर आवाज़ आ रही। ये जो मैंने बाहर निकाली हाथ से, ये स्प्रिंग है, इसी वजह से इसके अंदर टेस्टनर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो टेस्टनर है ना, इसके अंदर जो ये वायर आती है जो स्प्रिंग के रूप में काम होती है, ये थोड़ी लूज हो गई थी क्योंकि बार बार मैंने इसको पहले चेक भी किया, जो इसके ऊपर ये स्क्रू आता है ना, मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देता हूँ इस स्क्रू को। इसके अंदर एक सिस्टम होता है जो ये स्क्रू ड्राइवर की जगह जैसे काम करता है, तो मेरे पास में इसका एक जुगाड़ स्क्रू ड्राइवर बनाया हुआ है, तो इसके मैं इसको टाइट करूँगा जैसे ये ऊपर जाएगा। अब इसको जितना भी टाइट करेंगे ये अंदर की तरफ आएगा, और इसको छोड़ देते हैं तो ये बाहर आ जाता है। तो गाइस इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होगी, जो ये स्प्रिंग है इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ गई थी इसलिए इसका पूरा दबाव नहीं आ रहा था। हम इसको क्या करते हैं, इतनी इसको बाहर निकाल देते हैं और इसके बाद में जो अभी तक भी ये स्प्रिंग इसके अंदर है खींचती है, तो ज़्यादा हम इसके अंदर नहीं रखेंगे। और ये देख लीजिए आप, मैंने यहाँ पे बैंड लगाया है, तो इसकी इसको इतनी इसको अंदर रखने देते और यहाँ से कट कर देते, तो हमारे क्या टाइम टेस्टनर नया लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका लगभग हो सकता है 400 रुपये आता है, पैसा भी बच जाएगा और आवाज़ भी सही होगी। तो मैं इसको कटिंग करके इसके अंदर लगा देता हूँ और इसके बाद में आपको दिखाता है तो इसका साउंड सुना के काफ़ी इसके अंदर सुधार हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसको कैंची से कर लेते हैं कटिंग। तो ये देख लीजिए मैंने कटिंग कर दी है यहाँ पे और ये इतनी पट्टी को निकाल लिया है, और अब हम इस टेस्टनर को लगा देते हैं वापस और इसके बाद में हम साउंड सुनाएंगे इसका। तो ये पहले मैं यहाँ पे यहाँ तक लेकर आया हूँ ना, इसके इतना नीचे दब जाता था पहले टेस्टनर, बिना ये टाइट किए नीचे दब जाता था, तो इसकी क्या वो स्प्रिंग थी ज़्यादा लूज हो गई इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी टाइमिंग चेन की,
बार बार साउंड आ रहा था, तो अब इसको इससे की मदद से टाइट करना पड़ेगा। इसके बाद में जाएगा अंदर, ये देख लीजिए। तो इस अभी मैं नट कर देता हूँ सभी को टाइट, और इसके बाद में स्टार्ट करके इसको साउंड सुनाता हूँ आपको। तो गाइस, हमने इस टेस्टनर को फिटिंग कर दिया और ऊपर का जो स्क्रू है ये भी लगा दिया, क्योंकि इसके अंदर से छोटी छोटी आवाज़ जैसी आवाज़ आती है, इसलिए इसको भी लगा दिया। और अब बाइक को कर देते हैं स्टार्ट। इसका बैटरी भी डिस्चार्ज है, तो इसको ठीक से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हो गई स्टार्ट। ये देख लीजिए, काफ़ी एकदम साइलेंट आवाज़ आ रहा है, और बिल्कुल भी इसके अंदर आवाज़ के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। आपको सुनाई दे रहा होगा इसकी आवाज़। कर देता है बाइक को बंद। अगर इससे आपको वीडियो के अंदर छोटी बहुत जानकारी मिली और पैसे की बचत की जानकारी मिली है, तो वीडियो को नीचे कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। तो वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।